कक्षा 9वीं में आज हम पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है या क्या उपयोग किया जाता है, कौन से शब्द या कैसे आगे लिखते हैं। तो पत्र लेखन में हम देखेंगे कि पत्र समाचार जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूर दराज रहने वाले परिवारजनों या रिश्तेदार संबंधियों तक मन की बात पहुंचाने के लिए या जानने के लिए हम पत्र लेखन, पत्र एक माध्यम है और पत्र लेखन एक कला है। सामान्य समाचार या कुशल क्षेम ही नहीं अपितु पत्र लिखने वाले व्यक्तित्व को भी समाया रहता है। चरित्र, स्वभाव, आचार विचार आदि की भी अभिव्यक्ति रहती है। उत्तम पत्र महान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए पत्र साहित्य का अंग बन जाते हैं, इसलिए पत्र लेखन कला का समुचित ज्ञान आवश्यक है। जैसे सुबोध का, कैसे होने पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सुबोधता, पत्राचार की जो भाषा होती है पत्राचार की, वो सुस्पष्ट होना चाहिए, सुलेख प्रभाववान होना चाहिए, ताकि समझ में आए कि क्या लिखा है हमारे लिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्त छोटे से छोटे शब्दों को अंकित करके हम उसकी विषय की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, छोटे से छोटे शब्दों में उपयोग करें। क्रमबद्धता, एक के बाद एक लिखना। विनम्रता, शिष्टता से पत्र प्रभावी होता है। तीखी तथा कटु भी संयत सहज तथा सरल भाषा होनी चाहिए। प्रभावशीलता, पत्र की सफलता मानी जाती है जब उसे पढ़ने वाला प्रभावित हुए बिना ना रहे। आकर्षण, लिखने में आकर्षण की शक्ति होना चाहिए, ऐसा लिखा जाए कि वो समझ में आए और हमें अच्छे से पढ़ा जाए। पत्रों के प्रकार, पत्रों के प्रकार है अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक कैसे, जैसे अनौपचारिक जैसे हम माता पिता या रिश्तेदार बहनों को लिखते हैं, वो पत्र अनौपचारिक रूप से कहलाते हैं। पारिवारिक ये होते हैं, पारिवारिक पत्र और सामाजिक। अनौपचारिक भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, औपचारिक पत्र निर्वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं, कि व्यक्तिगत सीमाओं से परे होते हैं, कार्यालय में, व्यवसाय संस्थाओं में। जैसे बच्चों आप स्कूल में कोई आवेदन पत्र देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये पत्र के प्रमुख भाग होते, जैसे कि लिखने वाले का पता और भेजने वाले के पता और संबोधन का भी। तीसरा क्या, संबोधन का भी पता चलता है कि हम कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया कि प्रेषक तथा दिनांक लिखे, फिर यहाँ पर अपना पता और वो लिखे, है ना। फिर संबोधन की क्या लिखा जाना है, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ये कौन से है अनौपचारिक, क्या है ये, और औपचारिक पत्र ये है। के लिए हम क्या इस्तेमाल करते, जैसे सेवा में, जैसे आप स्कूल में लिखते हो अपने प्रधानाचार्य को, वैसे ही यहाँ औपचारिक पत्र बोलते हैं। और जो माता पिता या रिलेशनशिप में, जैसे हम अपने माता पिता को, बहन भाई को कहीं दूर है तो लिखते, वो अनौपचारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक, है ना, जो कि वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और ये जब हम दूसरों को संबोधन करने के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कार्यालय हेतु या वहां पर के लिए श्रीमान्य प्राचार्य जी, या बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ही बताया, जैसे हमने विषय होना चाहिए फिर पहले, फिर उसके बाद पत्र की विषय वस्तु होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। पत्र लिखने के लिए मूल विषय को लिखते हैं कि हम काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, पत्र को। अभिनिवेदन, लेखक अभिलेखक लिखते हुए अपना नाम लिखता है, जैसे बताया कि जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, इससे आपको समझ आएगा विभिन्न प्रकार के पत्रों में हम क्या उपयोग करते हैं। संबंध में, जैसे क्या करते हैं, माता पिता गुरु और बड़ों के लिए संबोधन में क्या लिखेंगे, मान्यवर, श्रीमान, परम आदरणीय, पूज्य आदि सब इस्तेमाल करते हैं। अभिवादन में नमस्कार, जैसे हम लिखते हैं ना माता को लिखा पत्र, तो माता वाले में क्या लिखते हैं यहाँ पर,
माता पिता क्या लिखते हैं यहाँ? प्रणाम। प्रणाम लिखा यहाँ ना, अगर माता को पत्र लिख रहे हैं। और अभिनिवेदन यानी यहाँ नीचे हम जब लिखते हैं आपका पुत्र, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपका पुत्र, ये है ना, आप भी लिख सकते बेटा बेटी कुछ भी है ना लिख सकते। फिर इसके बाद है छोटो जैसे पुत्र छोटा भाई भतीजा आदि के लिए पत्र लिखे जाते। फिर यहाँ पे संबोधन में चिरंजीवी, इसमें प्रसन्न रहो खुश रहो आखिरी में लिखते हैं हम, है ना, तुम्हारा सुख चिंतक आखिरी में लिखते ना, ये सब इस प्रकार से ये पत्रों का लेखन होता है बच्चों। आप जगह जगह अलग अलग पत्रों के उसमें अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है ना इन शब्दों का। जैसे है विद्यालय के लिए है, जैसे हमने लिखा कि हमें 3 दिन बुखार आ गया तो हम नहीं आएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेवा में, क्या लिखेंगे इधर? सेवा में। और फिर यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य जी, है ना यहाँ पे। और शाला का नाम लिख देंगे, जैसे हम कहा क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा कि मुझे आकस्मिक बुखार आ जाने के कारण 3 दिन की छुट्टी देने की रफा करें, निवेदन है कि मुझे, यहां से शुरू करते हैं हम, निवेदन है कि है ना फीवर के लिए यहां से। और फिर आखिरी में हम क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र या छात्राएं छात्रा, ये हम लिख सकते हैं। फिर अगर हम कोई शुल्क के लिए लिख रहे हैं तो उसमें भी हमें क्या लिखते हैं? बुक बैंक के लिए लिखना है तो भी हम यहाँ पर प्रधानाचार्य या प्राचार्य को हम शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और शाला का नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर विषय लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, बुक बैंक चाहिए या हमें शुल्क माफ कराना है, उसके लिए हम विषय में लिखते हैं। उसके बाद हम अपनी समस्या का वर्णन करते हैं कि मुझे इस क्लास से इस बुक की आवश्यकता है, कृपया देने की कृपा करें। बच्चों ये आपका पत्र लेखन के बारे में जो बताया, इसको आपको देखना है कि हमने क्या बताया इसको, और सुधार करें, क्योंकि अभी आपने कॉपियों में कुछ का कुछ लिखा हुआ, तो इसलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़ें और इसको आप अपनी कॉपी में लिखें।